तक हम लोग काफी हद तक डॉपलर्स इफेक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं और होप्स तो आप लोगों को काफी हद तक डॉपलर्स इफेक्ट के बारे में समझ भी आ चुका होगा कि डॉपलर्स इफेक्ट क्या है और हम इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं। आज हम डॉपलर्स इफेक्ट की मुख्य एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि आया कि हम लोग डॉपलर्स इफेक्ट को इस्तेमाल करते क्यों हैं। डॉपलर्स इफेक्ट एक बहुत ही आराम फिनोमेना है जिसे हम मुख्य सिस्टम में डिटेक्शन वगैरह के पर्पजेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि डॉपलर्स इफेक्ट पे ही एक सिस्टम बेस करता है जिसे हम लोग रडार सिस्टम कहते हैं। रडार एक ऐसा सिस्टम है जो कि रेडियो वेव्स इमिट भी कर सकता है एज वेल एज रेडियो वेव्स को डिटेक्ट भी कर सकता है और ये जो है हमें ये बताने में मदद करता है कि एरोप्लेन वगैरह की हाइट कितनी है, उनकी स्पीड कितनी है, आया कि एरोप्लेन रडार की तरफ मूव कर रहा है या रडार से अवे मूव कर रहा है। जैसा कि इस इमेज में आप बआसानी देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक रडार है और ये एक एरोप्लेन है जो कि वेवलेंथ को इमिट कर रहा है और इसकी इमिट करने वाली वेवलेंथ को हमारा रडार सिस्टम जो है डिटेक्ट कर लेता है। अगर तो जो वेवलेंथ इस एरोप्लेन से रिफ्लेक्ट हो रही है उसमें जो है वो कमी आ रही हो, यानी कि हम इस तरह से कहें कि हमारी वेवलेंथ में कमी आ रही है जो कि ये एरोप्लेन जो है इमिट कर रहा है, इसका मतलब है वेवलेंथ में कमी आ रही है और वेवलेंथ में कमी ये शो करती है कि हमारा जो एरोप्लेन है ये हमारे रडार की तरफ मूवमेंट शो कर रहा है। लेकिन अगर हमारी वेवलेंथ में इजाफा हो जाए यानी कि जो लैम्डा है उसमें इंक्रीज आ जाए तो इसका मतलब है कि हमारा जो एरोप्लेन है ये हमारे रडार सिस्टम से अवे मूवमेंट शो कर रहा है और रडार सिस्टम ना सिर्फ हमें ये बताता है कि एरोप्लेन इसकी तरफ मूव कर रहा है या इससे अवे, बल्कि ये भी बताता है कि इसकी एलिवेशन कितनी है और ये कितनी स्पीड के साथ रडार की तरफ मूवमेंट शो कर रहा है। रडार सिस्टम का एक फायदा ये भी है कि इससे आप ये भी मालूम कर सकते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले अगर दुश्मनों के जहाज हैं आपकी सरहद में आ जाते हैं तो आप आसानी से मालूम कर सकते हैं कि वो आया कि आपकी तरफ आ रहे हैं या आपकी सरजमीन से अवे जा रहे हैं, तो आप उसको रोकने के लिए मुख्तलिफ किस्म के इकदाम कर सकते हैं और ये डॉपलर इफेक्ट की वजह से ही मुमकिन होता है। रडार सिस्टम सिर्फ एक ही नहीं होते बल्कि मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ इलाकों में, अगर एक ही मुल्क की बात की जाए तो एक ही मुल्क में भी मुख्तलिफ इलाकों में रडार सिस्टम जगह जगह पर लगाए जाते हैं ताकि मुख्तलिफ जगहों से आने वाले एरोप्लेन वगैरह को हम लोग जल्दी से डिटेक्ट कर पाए कि ये हमारी तरफ आ रहे हैं रडार की तरफ या रडार से अवे जा रहे हैं। रडार सिस्टम को हम सिर्फ एरोप्लेन वगैरह के लिए नहीं बल्कि हम लोग अर्थ में भी इसे यूज करते हैं। हमें मालूम है कि हमारी अर्थ के अराउंड मुख्तलिफ इकसाम के सैटेलाइट जो है वो मूवमेंट शो कर रहे होते हैं और इन सैटेलाइट की स्पीड को, चूँकि हम लोगों ने कहा है कि रडार हमें एरोप्लेन वगैरह की एलिवेशन और एज वेल एज इनकी जो है स्पीड भी फाइंड आउट करने में मदद करते हैं कि कितनी तेजी से आ रहे हैं और कितनी तेजी से जो है दूर जा रहे हैं, इसी तरह हमें मालूम है कि जो सैटेलाइट से हमारी अर्थ के अराउंड मूवमेंट शो कर रहे होते हैं वो भी तो किसी न किसी स्पीड से मूवमेंट शो कर रहे होते हैं, तो उनकी स्पीड को डिटेक्ट करने के लिए भी हम लोग मुख्तलिफ इकसाम के जो है रडार सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस इमेज में मुख्तलिफ इकसाम के रडार सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं, चूँकि ये तो अर्थ की बात है, ये एक अलग बात है कि अर्थ में भी ये इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा इस तरह के मुख्तलिफ इकसाम के रडार सिस्टम जो हैं वो जगह जगह पर लगाए जाते हैं ताकि हम लोग आसानी से ये पता कर सकें कि एरोप्लेन जो मुख्तलिफ इलाकों में आ रहे हैं वो उसकी तरफ आ रहे हैं या उससे अवे जा रहे हैं। एक तो डॉपलर इफेक्ट की एप्लीकेशन ये है कि ये रडार सिस्टम इस्तेमाल हो रहे हैं, दूसरी इसकी एप्लीकेशन डॉपलर शिफ्ट है। डॉपलर शिफ्ट जो है वो हमें स्पीड ऑफ स्टार बताती है, यानी कि ये हमें स्पीड ऑफ डिस्टेंट स्टार्स एज वेल एज गैलेक्सीज, हाँ गैलेक्सीज के बारे में एंड गैलेक्सीज ये हमें स्टार्स की स्पीड और गैलेक्सीज वगैरह की स्पीड के बारे में भी बताते हैं, यानी कि अगर हमें स्टार्स बहुत ही दूर मौजूद कोई स्टार्स हैं उनकी या गैलेक्सीज वगैरह की स्पीड फाइंड आउट करनी हो तो हम लोग डॉपलर शिफ्ट इस्तेमाल करते हैं। ये जो डॉपलर शिफ्ट है ये हमें ये बताने में मदद करता है, एक तो इससे हमें स्पीड ऑफ स्टार फाइंड आउट हो जाती है, दूसरी चीज ये हमें ये भी बताने में मदद करता है कि आया कि कोई स्टार हमारी अर्थ की तरफ आ रहा है या हमारी अर्थ से अवे जा रहा है। डॉपलर शिफ्ट की भी टू टाइप्स हैं या इसकी टू कैटेगरीज हैं, इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं कि इसकी जो टाइप्स हैं इसकी टू टाइप्स हैं, एक जिसे हम लोग ब्लू शिफ्ट कहते हैं और दूसरी वो जिसे हम लोग रेड शिफ्ट कहते हैं। स्पेक्ट्रम के बारे में तो आप जानते होंगे कि स्पेक्ट्रम पे हमारे पास मुख्तलिफ इकसाम के कलर्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास जो स्पेक्ट्रम है लाइट स्पेक्ट्रम, आपको मालूम है कि जो लाइट है वो सेवन कलर से मिलकर बनी है और जो लाइट है उसमें जो सेवन कलर्स हैं उनमें हमें मालूम है कि जो ब्लू कलर है वो सबसे लास्ट पर होता है और रेड कलर जो है वो सबसे टॉप पर होता है।
हम लोग कहते हैं कि जो ब्लू कलर है इसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ही कम होती है, तकरीबन उसे हम लोग कहते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 400 नैनोमीटर होती है ब्लू की वेवलेंथ, जो ब्लू कलर है उसकी वेवलेंथ इतनी होती है। और जो रेड कलर है चूंकि सबसे टॉप पर होता है स्पेक्ट्रम पर, लाइट स्पेक्ट्रम पर, तो इसकी जो वेवलेंथ है वो तकरीबन 700 to 800 नैनोमीटर के अप्रोक्सीमेट होती है। जब हमारा सोर्स और हमारा ऑब्जर्वर दोनों ही स्टेशनरी हो तो हमारे पास कोई भी शिफ्ट नहीं आती। और हमें मालूम है कि जो, और एक और बात की, जो हमारी डॉपलर शिफ्ट है ये सिर्फ वेवलेंथ की वजह से होती है। और वेवलेंथ में चेंज आपको मालूम है उस वक्त होता है जब आपका सोर्स मूवमेंट शो कर रहा हो और आपका ऑब्जर्वर जो है वो स्टेबल हो। अगर तो आपका सोर्स मूव करेगा तो ये दो तरीके से मूव करता है, आया कि ये ऑब्जर्वर की तरफ जाता है या ऑब्जर्वर से अवे जाता है। अगर तो ये ऑब्जर्वर की तरफ जाता है तो वेवलेंथ में जो है वो कमी हो जाती है, यानी कि ये वेवलेंथ कम हो जाती है। इसे मुझे इस तरह से दिखाना चाहिए कि जो नई वेवलेंथ है वो कम हो जाती है इस तरह से। जी हाँ, इस तरह से नई वेवलेंथ जो है वो कम हो जाती है अगर ये हमारा जो सोर्स है वो हमारे ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर हमारा सोर्स हमारे ऑब्जर्वर से अवे जा रहा है तो हमारी जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज कर जाती है इस तरीके से। तो हम लोग कहते हैं कि अगर तो वेवलेंथ में इंक्रीज आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये रेड शिफ्ट शो कर रहा है, और अगर वेवलेंथ में डिक्रीज आ रहा है तो इसका मतलब है ये ब्लू शिफ्ट शो कर रहा है। जैसे कि आप इसी में से देख सकते हैं कि रेड शिफ्ट में, अगर रेड शिफ्ट की बात की जाए तो जो हमारा स्टार है, लेट्स से कि ये हमारा एक स्टार है और ये हमारी अर्थ है, अगर ये स्टार अर्थ से अवे जाना चाह रहा है, आप फर्ज कर लीजिए कि इसे हमारी अर्थ बिल्कुल पसंद नहीं आई, जब ये स्टेबल था तो इसकी पोजीशन कुछ ये थी और हमारी अर्थ ऐसे ही अपनी पहली पोजीशन पर थी और स्टार हमारा यहाँ पर था, अब हमारे स्टार को हमारी अर्थ पसंद नहीं आ रही, वो हमारी अर्थ से अवे जाना शुरू करता है यानी अवे जा रहा है, तो इसकी जो वेवलेंथ है ये पहली वेवलेंथ थी और ये दूसरी वेवलेंथ, अब तो वेवलेंथ में जो है वो इंक्रीज हो गया, इसका मतलब है वेवलेंथ बढ़ गई है और वेवलेंथ जो बढ़ती है वो रेड के केस में, तो इस वजह से हम लोग इसे रेड शिफ्ट कह देते हैं कि ये शिफ्ट है। शिफ्ट इसलिए कि जो हमारा स्टार है उसने अपनी पोजीशन चेंज कर लिया, वो शिफ्ट हो गया, और रेड इसलिए कि इसकी जो वेवलेंथ है वो बढ़ गई है, इस वजह से हम इसे रेड शिफ्ट कह देते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा केस हो कि अगर ये हमारा स्टार है, इसे हम, ये स्टेबल केस में था और ये हमारी अर्थ है, दोनों ही स्टेबल हैं और ये इनकी वेवलेंथ थी जो स्टार से जो लाइट आ रही है हमारी अर्थ तक, अब ये जो स्टार है ये हमारी अर्थ की तरफ आना चाहता है, इसे हमारी अर्थ पसंद आ रही है, ये हमारी अर्थ की तरफ आना चाह रहा है, तो जो वेवलेंथ है उसमें डिक्रीज आ रहा है पहले की नस्बत, अब जो वेवलेंथ है उसमें आप बआसानी देख सकते हैं कि अब जो वेवलेंथ है उसमें बहुत ज्यादा कमी आ रही है। तो इसका मतलब है वेवलेंथ में जो कमी है, यानी कि वेवलेंथ का बहुत ही कम होना, ये चीज ब्लू के केस में होती है, क्योंकि जो ब्लू कलर है वो सबसे कम वेवलेंथ देता है, तो इस वजह से हम लोग इसे ब्लू शिफ्ट कहते हैं। ब्लू इस वजह से क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ही कम हो गई है, जो कि 400 नैनोमीटर है, और शिफ्ट इसलिए कि हमारा जो स्टार है या गैलेक्सीज वगैरह है उसने अपनी पोजिशन को शिफ्ट किया है, इस वजह से हम लोग इसे ब्लू शिफ्ट कहते हैं। जैसा कि आप जो है इस इमेज से बआसानी देख सकते हैं कि ये वो हमारा स्टार है, डिस्टेंट स्टार जो बहुत ही दूर है, ये कोई अननोन प्लैनेट है, लेकिन अब इसे बॉदर मत करें, आप समझ लीजिए कि यहाँ पर ये हमारी अर्थ है, ये जो स्टार है ये हमारी अर्थ की तरफ आना चाह रहा है, तो इसकी जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ कम होगी, यानी कि वेवलेंथ में कमी आ जाएगी, और वेवलेंथ में कमी को हम लोगों ने ब्लू शिफ्ट यानी कि ब्लू लाइट से रिप्रेजेंट किया है, जो कि ब्लू जो है वो कम वेवलेंथ के लिए इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर हम लोग इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये जो है ब्लू शिफ्ट है। लेकिन अगर जो हमारा एक कोई स्टार है या कोई भी गैलेक्सी वगैरह है वो हमारी अर्थ से या किसी भी और स्टेबल प्लैनेट से दूर जाना चाह रही है, जो कि इस स्टार के लिहाज से ऑब्जर्वर है, इस स्टार के लिहाज से वो स्टेशनरी है, और हमारा ये जो सोर्स है, जो स्टार है, ये मूवमेंट शो कर रहा है, और अगर ये इस तरह से मूव कर रहा है कि ये हमारी अर्थ से अवे जा रहा है, इसकी वेवलेंथ में इंक्रीज आ रहा है, तो इसकी वेवलेंथ में जो इंक्रीज है वो रेड की केस में आती है, यानी कि रेड कलर सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता देता है, जो कि 700 to 800 नैनोमीटर है, जैसे कि हमने पहले बात की है, तो इसका मतलब है इस चीज़ को हम लोग रेड शिफ्ट कहते हैं। इसे आप एक मजेदार एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही होती है, मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आप जाते हैं तो आप कहते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है एज़ कम्पेयर टू उन इलाकों के जहाँ से आप आए हैं, तो वहाँ पर ये होता है कि उस वक्त आप सन के जो हैं वो बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं या बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। अगर तो आप ऐसे इलाके में आए हैं जहाँ बहुत ज़्यादा आपको गर्मी महसूस हो रही है,
तो इसका मतलब है कि उस वक्त जो सन है वो उस इलाके के बहुत नज़दीक है और वेवलेंथ जो है बहुत कम है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि आप उस वक्त ब्लू शिफ्ट वाले इलाके में, आप इस तरह से इसे समझ सकते हैं कि जो सन से रेज इमिट हो रही हैं उनकी वेवलेंथ बहुत कम है, सन जो है वो आपकी तरफ आ रहा है, उस इलाके की तरफ आ रहा है, तो वेवलेंथ में कमी हो जाती है जिसे आप ब्लू शिफ्ट कहते हैं। और अगर आप ऐसे इलाकों में चले जाते हैं जैसे कि मरी वगैरह, जहाँ पर सूरज जो है वो काफ़ी फासले पर होता है, इतनी ज़्यादा गर्मी वगैरह नहीं होती, आप उसे इस तरह से समझ सकते हैं कि वहाँ पर गर्मी इसलिए नहीं होती क्योंकि वहाँ पर जो है वो रेड शिफ्ट का फिनोमिना हो रहा होता है। इसे आप ऐसे कर सकते हैं, रेड शिफ्ट का फिनोमिना हो रहा होता है क्योंकि उस वक्त जो आपका सन है वो आपसे अवे जा रहा होता है, और सन के अवे जाने की वजह से वेवलेंथ में इंक्रीज आ जाता है, और वेवलेंथ में जहाँ इंक्रीज आता है उसे आप लोग रेड शिफ्ट कहते हैं। तो ये कुछ डॉपलर शिफ्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, और एक हम लोगों ने रडार सिस्टम के बारे में पढ़ा है कि रडार सिस्टम क्या है और डॉपलर शिफ्ट क्या है। तो होप्स आपको इन दो एप्लीकेशन के बारे में समझ आ चुकी होगी। डॉपलर इफेक्ट की मजीद एप्लीकेशन भी है जो हम लोग अपनी अगली वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे कि वो दो एप्लीकेशन या मजीद एप्लीकेशन क्या हैं।